अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी जलालपुर निषाद बस्ती में पंडित समरजीत पहुंचकर बहनों से राखियां बंधवाई। कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन महापर्व पर हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि जब जब हमारे बहनों के ऊपर कोई कष्ट आएगा तो सबसे पहले हम सब मिलकर बहनों की रक्षा करने का शपथ लेते हैं। जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सब अपने जान को निछावर कर देते हैं, उसी तरीके से जब कोई दुश्मन हमारी बहनों को गलत निगाह से देखेगा तो हम सब मिलकर उसकी आंखों को निकालने का काम करेंगे और अपनी बहनों की सुरक्षा कवच बनकर सदैव सामने खड़े रहेंगे। यही हर भाई को शपथ लेने की जरूरत है। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने हर बहनों को यह भरोसा दिलाया है कि जब जब उनके ऊपर कोई कष्ट आएगा हम सब मिलकर संघर्ष करने का काम करेंगे। और बहनों को अखिलेश भैया ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर बहनों को बधाई और शुभकामनाएं भेजने का काम किया है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। बंधन के पावन पर्व पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बहनों के बीच जाकर कई ग्राम सभाओं में रक्षाबंधन बंधवाने का काम किए और बहनों को उपहार में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा तथा उपहार देने का काम किया। और हम बहनों से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहनों के ऊपर अगर कभी कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो सपा के दिव्यांग नेता हम पंडित समरजीत सदैव उनके हक हुकूक के लिए लड़ने का काम करेंगे। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने भी जो रक्षाबंधन की बधाई बहनों को देने का काम किए हैं वह हम बहनों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अयोध्या फैजाबाद।